हेलो दोस्तों, आज है 26 मई और आज पढ़ने जा रहा है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या बातें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सबके मन में आता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको चंद्र ग्रहण के दौरान भूलकर भी ये कार्य नहीं करना है। सबसे पहले जान लो, तो सबसे पहला काम है, मान्यता है कि ग्रहण के दौरान तेल लगाना, जल पीना, बाल बनाना और कपड़े धोना और ताला खोलने जैसे कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। दूसरी बात, कहा जाता है कि ग्रहण काल में भोजन करने वाले मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने सालों तक नरक में वास करना पड़ता है। तो भूल कर भी ग्रहण जब पड़ रहा हो खाना बिल्कुल मत खाना। तीसरी बात, मान्यता है कि ग्रहण काल में सोना भी व्यक्ति को नहीं चाहिए, अगर वो सोता है तो वह व्यक्ति रोगी हो जाता है। तो भूल कर भी सोना मत ग्रहण दौरान। चौथी बात, चंद्र ग्रहण में तीन प्रहर का भोजन करना वर्जित माना जाता है, तो तीन प्रहर का भोजन बिल्कुल नहीं करें चंद्र ग्रहण के दौरान। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल आदि नहीं तोड़ने चाहिए, ये बिल्कुल भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए। छठी बात, ग्रहण कार्य में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है, तो ग्रहण कार्य के दौरान कोई भी शुभ कार्य भी नहीं किया जाता। तो ये वो ऐसे छह कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अब ये तो कार्य वो हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, अब क्या करना चाहिए वो ध्यान से सुने। ग्रहण शुरू होने से पहले खुद को शुद्ध कर ले, ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान आदि कर लेना शुभ माना जाता है। दूसरी बात, ग्रहण काल में अपने इष्ट देव या देवी की पूजा अर्चना करना शुभ होता है। तीसरी बात, चंद्र ग्रहण में दान करना बेहद शुभ माना जाता है, ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। चौथी बात, ग्रहण खत्म होने के बाद एक बार फिर से स्नान करना चाहिए, कहते हैं कि ऐसा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पांचवी बात, ग्रहण काल के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी की पत्ती डालनी चाहिए। तो दोस्तों ये वैसे पांच कार्य हैं जो आपको ग्रहण काल के दौरान करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन पर ग्रहण का कोई असर नहीं पड़े। दोस्तों ये तो रही अब दोनों बातें, अब हम आपको बताते हैं ग्रहण कितने बजे पड़ेगा। तो दोस्तों हरि ज्योतिष संस्थान लाइन पार के ज्योतिषविद पंडित सुरेंद्र शर्मा ने बताया है कि 26 मई यानी कि आज ग्रहण 2:17 पर शुरू हो जाएगा और शाम के 7:19 तक पड़ेगा। तो दोस्तों 2:17 से लेकर 7:19 तक भारत में यह चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। दूसरी बात, सूतक काल की बात करते हैं, तो दोस्तों यह उपाध्याय चंद्र ग्रहण है, इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको डरने वाली बात नहीं है, ग्रहण का कोई भी उन पर असर नहीं पड़ने वाला है। इसके साथ ही भारत में यह चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यह दिन में भारत में पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर इस चंद्र ग्रहण को नहीं देखा जा सकता। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण से जुड़ी सारी बातें हमने आपको बता दी, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अपने यार दोस्तों के पास, ताकि वो भी इन प्रभावों के बारे में जान सके, इसलिए वीडियो को जरूर शेयर करना। साथ ही हमारे चैनल से जुड़े नीचे लाल कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।